नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की, रंग तथा स्पेक्ट्रम गुण की। यानी पहले हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। जो लेंथेनाइड आयंस जो होते हैं वो कलर शो करते हैं ड्यू टू एफएफ ट्रांजिशन। यानी ये जो कलर अराइज होता है वो लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है विजिबल रीजन के अंदर, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है एफ ऑर्बिटल के एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर एक्साइट होता है, और इस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से विजिबल रीजन में हमको कलर देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये एफएफ ट्रांजिशन है जो कि एक लेपोटे फॉर्बिडन ट्रांजिशन है, तो जो कलर होते हैं वो पेल होते हैं, यानी जो रंग होते हैं वो हल्के देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका संक्रमण जो है वो लेपोटे फॉर्बिडन है। तो इस वजह से हम कलर जो शो करते हैं वो पेल होता है। क्योंकि एफएफ ट्रांजिशन है, इसमें क्या होता है कि जो लेपोटे फॉर्बिडन यानी डेल्टा एल की वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस वन होनी चाहिए, तभी वो लेपोटे अलाउड ट्रांजिशन होता है। यानी एस से पी में ट्रांजिशन पॉसिबल है, पी से डी में, डी से एफ में, लेकिन एफ टू एफ में डेल्टा एल की वैल्यू जो हो जाती है वो हमारी जीरो हो जाती है, जिस वजह से ये लेपोटे फॉर्बिडन ट्रांजिशन कहलाता है। तो इस वजह से जो कलर होंगे वो पेल देखने को मिलेंगे। अब इनकी जो पोजीशन होती है एब्जॉर्प्शन बैंड की, या जो कलर होते हैं इन आयंस के, वो चेंज नहीं होते हैं जब हम लीगेंड्स को चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल यानी एफ कक्षक होते हैं वो डीपली सीटेड होते हैं, यानी वो डीप इनसाइड द एटम होते हैं, और लार्जली शील्डेड होते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि नेचर और नंबर ऑफ लीगेंड से वो अफेक्ट नहीं होते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड हमको देखने को मिलते हैं वो शार्प होते हैं, और शार्प मिलते हैं। इसका रीजन क्योंकि अगेन जो एफ ऑर्बिटल्स है वो डीपली सीटेड है, वेल शील्डेड है फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ द लीगेंड, और इस वजह से जो मेटल लीगेंड इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये जो लैंथेनॉइड्स होते हैं दे आर दस यूज्ड फॉर द वेवलेंथ कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फर्दर जो लैंथेनॉइड आयंस जो होते हैं इनका जो कलर डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी लेंथेनाइड सीरीज में, अगर हम देखते हैं किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 4fn है तो, और दूसरे का अगर 4f14-n है, यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन 4f2 के अंदर है, और एक अगर ऐसा एलिमेंट जिसके 4f14-2 यानी 4f12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके जो कलर होंगे वो सेम होंगे। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो प्रेसियोडाइमियम है और जो थूलियम है जिसके अंदर 4F2 और 4F12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके कलर जो है वो सेम है, यानी ग्रीन। अनदर जो हम देखते हैं इसमें वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से भी कुछ एलिमेंट्स जो है वो कलर शो करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सीरियम प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4F0, इसमें लीगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इस वजह से इसका जो कलर है वो स्ट्रॉन्ग येलो कलर देखने को मिलता है। उसी तरह समेरियम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ब्लड रेड कलर शो करता है ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अनदर जो हम देखते हैं वो है एमिशन स्पेक्ट्रा। जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वो रिटर्न कर सकते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। अगर ये एमिशन इमीडिएटली आफ्टर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी इंस्टेंटली क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है रेडिएशन का, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्लोरोसेंस। लेकिन एब्जॉर्प्शन होने के कुछ देर बाद अगर एमिशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फॉस्फोरेसेंस। इनकी कुछ एप्लीकेशंस भी है कि इन डिस्प्ले सिस्टम लाइक प्लाज्मा स्क्रीन और SFLs के अंदर इनको यूज में लिया जाता है, यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स के अंदर, लेजर्स के अंदर इनको काम में लिया जाता है। ये कुछ इनकी एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है।